सुबह सुबह निकल पड़े हैं खजुराहो से, और ये जो भाई साहब है मेरा ऑटो वाला, ये जब से हम खजुराहो में आए हैं इन्हीं के साथ घूम रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है। तो आज हम जा रहे हैं राणे वाटर फॉल्स देखने के लिए, जो कि इंडिया का गैंड कैनियन बोला जाता है। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, और ये रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है। ये टिकट काउंटर सामने, यहाँ पे रेट चार्ट दिया हुआ है कितना पैसा लगता है, और यहीं से आपको दो टिकट मिलेगा, एक पीले कलर का जो गाइड के लिए, एक सफ़ेद कलर का जो कंप्यूटर से निकलता है, वो आपको चेक पोस्ट पे जमा करना पड़ता है। तो गाड़ी के साथ हमारा 325 रुपया लिया, इसके साथ आप चार आदमी आ सकते हैं, और उसके साथ गाइड भी इंक्लूड है। ये चेक पोस्ट, अंदर जाने का चेक पोस्ट है। यहाँ पर कंप्यूटर वाला पर्ची जो कटा था वो इनको दिया, और गाइड वाला पर्ची हमारे साथ में है, वो आगे गाइड को देना होगा। जो पीला रंग का पर्ची है मेरे पास में, वो गाइड को देना होगा। हीरा कुशवाहा है, मैं यहाँ पे गाइड हूँ। जो ये जंगल आप देख रहे हैं, ये जंगल का नाम है केन घड़ियाल सेंचुरी। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का छोटा सा पार्ट है। केन घड़ियाल सेंचुरी के अंतर्गत जो आप देखेंगे, इसमें एनिमल्स भी है छोटे वाले, जैसे कि नील गाय, हिरन, चीतल, जंगली सुअर, हाइना, वॉल्फ, लोमड़ी, तो ये एनिमल्स पाए जाते हैं। और जंगल के अंदर कुछ प्रकार के पेड़ भी है। सबसे ज़्यादा यहाँ टीक फॉरेस्ट ही है, टीक फॉरेस्ट इसमें 70% है। इसमें पलाश भी है, इसमें तेंदू है, धाबड़ा है, कुल्लू है, सलाई है, गुंजा है, और जो है खैर है। तो ये नेचुरल ही है, ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये नेचुरल ही है। और ये नदी का जो नाम है वो केन नदी है। आप वहाँ चलेंगे, देखेंगे नदी का जो दृश्य है वो आप इंडिया में किसी भी कोने में ऐसा कैनियन नहीं देखेंगे। ये वोल्केनो कैनियन, इंडिया का ग्रैंड कैनियन भी बोला जाता है। ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, जैसे अमेरिका का ग्रैंड कैनियन है, ये इंडिया का मिनी कैनियन है। इस कैनियन के अंदर 5 कलर के पत्थर हैं, और 5 कलर के पत्थर 5 किलोमीटर तक है। 5 किलोमीटर के बाद रिवर है जो चौड़ी हो जाती है। तो ये जो नदी है, आप इसको, ये हम पहुंच चुके हैं अभी, हाँ, वाटर फॉल्स के यहाँ पे। हाँ, पानी का बहाव अभी खास नहीं है। हाँ, अभी इसमें बहुत पानी है नदी में, लेकिन इसका पानी, ये फॉल के ऊपर साइड दो डैम बने हैं, एक डैम बरियारपुर, एक डैम गंगाऊ। तो दोनों डैमों में पानी रोका गया है, सिंचाई को यूपी जा रहा है पानी, एमपी जा रहा है, नहरों में तो इधर आना पानी का बंद हो गया। अभी जो आप ये देख रहे हैं वाटरफॉल, जरा सा पानी जो गिर रहा है, इस वाटरफॉल का नाम है रनिंग फॉल, रनिंग सीजन का फॉल है। 1981 से यहाँ पे पर्यटक स्थल ये बनाया गया। इस पर्यटक स्थल का जो नाम है, जंगल का नाम है, वो है केन घड़ियाल सेंचुरी। केन नदी का नाम है, घड़ियाल चंबल से लाके इसमें नदी में छोड़े गए थे। कभी यहाँ दिख जाते हैं, कभी नीचे उधर दिखते हैं 5 किलोमीटर आगे, कभी और नीचे दिखते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगे जा करके देखेंगे, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए आगे जी। इसमें ये जो नज़ारा आपके सामने है अभी, ये नज़ारा बारिश में नहीं दिखेगा, क्योंकि बारिश में पत्थर पूरे डूबे रहते हैं, और यहाँ जगह जगह से मतलब अनगिनत वाटरफॉल होते हैं। एक बार इसमें ऐसा भी हुआ, बाढ़ आई थी,
तो जहाँ अपन चल रहे हैं ये पूरा रेलिंग मेलिंग सब टूट गया था 2005, तो ये फिर से बनाया गया। वाह कितना खूबसूरत। दोस्तों ऐसा जगह हम घुमाने के लिए लेके आया है, आप सोच भी नहीं सकते, कभी देखे भी नहीं होंगे। ये जगह है इंडिया का ग्रैंड कैनियन, तो आपको विदेश में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में घूमिए, यहीं पे आप ग्रैंड कैनियन का मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ग्रैंड कैनियन है, अगर पानी भरा होता तो कितना अच्छा होता। बारिश में इसको नियाग्रा फॉल देखते आप, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं थी, बारिश में आते तो आपको नियाग्रा फॉल होता। ये जगह जगह से पानी गिरता है, यहाँ जगह जगह पूरी लाइन से पानी गिरता है, तो यहाँ पे आप 10 मिनट में भीग जाएंगे। इसकी आवाज़ रात में वाटरफॉल की कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर है आप तब भी सुनाई देगी। ये जो नीचे एक देख रहे हैं ये कैनियन, ये है ज्वालामुखी विस्फोट का कैनियन। इसके अंदर की गहराई है अभी 50 मीटर, 150 फीट पानी अंदर भरा हुआ है। ये सेंटर पॉइंट है ज्वालामुखी का। इसमें आपके सामने ये जो ब्लैक पत्थर है ये बेसाल्ट है, ये जो पिंक है ग्रेनाइट है, ये जो भूरा भूरा दिख रहा है ब्राउन कलर क्वार्ट्ज है, बगल में जो येलो है डोलोमाइट है, और वो रेड दिख रहा है वो जैस्पर है। तो 5 कलर के जो पत्थर है ये एक अग्नेय चट्टाने हैं। इसका जो जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने पत्थर का सैंपल ले जाकर के जो कार्बनिक डेटिंग की है, तो ये पत्थर 460 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। जब विस्फोट होता है, विस्फोट से जो लावा निकलता है, जब लावा ऊपर आके तुरंत ही ठंडा होता है तो ग्रेनाइट पत्थर का रूप धारण करता है। ऐसे ग्रैंड्स के बड़े पिंडों को ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं, जैसे जियोलॉजी में आग्नेय चट्टाने इग्नियस स्टोन कहते हैं। तो ये वॉल्केनो विस्फोट के द्वारा इस वाटरफॉल रॉक का निर्माण हुआ है। मगरमच्छ घड़ियाल भी पाए जाते हैं नदी में, यहाँ पे आ जाता है। हाँ घड़ियाल मगरमच्छ यहाँ आ जाते हैं सर। अच्छा हाँ, अभी तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह छोटी है, तो जैसे आ जाते हैं तो फिर वापस वो वहीं चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जगह जो है बड़ी है तो वहाँ पे किनारों में बैठे देखने को मिल जाते हैं। ये इधर से 125 किलोमीटर आगे विंध्या माउंटेन, कटनी जिला एमपी से नदी शुरू होती है। इस नदी का नाम कर्णावती हिंदी नाम और इंग्लिश नाम केन नदी है। और इधर ये डाउन 200 किलोमीटर डाउन यूपी बांदा चिल्ला घाट जमुना जी में मिल जाती है। जी जमुना जी जाके गंगा जी इलाहाबाद में मिलती है। तो ये नदी 325 किलोमीटर जो लंबी है वो नेचुरल है। हाँ यहाँ पे देखिए श्रीमान जी, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं जंगल का, पत्थरों का, ये जो कैनियन है, तो ये पूरा कैनियन के आजू बाजू में जो ये रॉक्स है ये सब अग्नेय चट्टाने हैं। किसी में आयरन, किसी में लैट, किसी में सिल्कामैक्स है, इसमें ग्रेनाइट है, डोलोमाइट है, क्वार्ट्ज है, बेसाल्ट है, जैस्पर है। 5 कलर की चट्टाने हैं इधर पे। बहुत ही अच्छा जगह है, मैं सोचा भी नहीं था इतना अच्छा होगा। बहुत अच्छा जगह है इंडिया का ग्रैंड कैनियन। देखिए बच्चे लोग कितना आनंद ले रहा है। गुड, कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। मैंने ग्रैंड कैनियन भी देखा है और नियाग्रा फॉल भी देखा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ इंडिया का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रैंड कैनियन है और बहुत ही सुंदर। आप यहाँ जो देखते हो 5 तरह के पत्थर, बहुत ही अच्छा लगता है और एक ही यू नो नेचुरल एक्सपीरियंस है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा एक बार ज़रूर खजुराहो आए तो ये रन ए वाटरफॉल ज़रूर आए।
इसमें ये जो पेड़ है जंगल के अंदर ये नेचुरल ही उगते हैं। ये सफेद वाला? हाँ, ये सफेद वाला। इस पेड़ का नाम है हिंदी नाम कुल्लू और इंग्लिश नाम कुल्लू, और इसका साइंटिफिक नेम है स्टर्कुलिया यूरेंस। इसमें जो कट लगाने पर गोंद निकलती है वो अपन लड्डू में डाल के खाते हैं। इसको लोकल भाषा में घोष ट्री बोलते हैं। ये पेड़ कलर बदलता है, एक साल में 3 बार कलर बदलता है। चंद्रमा रात में, अभी आपको नाइट में जो है पूरा रेडियम जैसा चमकता नजर आएगा। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। हाँ, किताबों में। जी जी, ये तो वही पेड़ है। ये तो बहुत गजब का लगता है। हाँ, ये वाला, इसमें अभी कोई पत्ती नहीं है, थोड़ी सी फूल आ रहे थे तो बंदरों ने खा लिए हैं। ये फूल है, उसके फल आएंगे, फिर जुलाई से पत्ते आएंगे। और ये जो पेड़ है ये सलाई है, बॉसविलिया सेरेता इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी जो गम होती है वो कैंडल बनती है और माचिस का तीली लकड़ी का बनता है। और ये जो पेड़ है ये गुंजा है, लेनिया कोरोमंडल का, पेपर कागज जोड़ने वाली गम निकलती है इससे। तो ये नेचुरली है। यहाँ पे तेंदू पत्ता भी पाए जाते हैं, बीड़ी जिसकी बनती है। तो आज हम आए थे राणे वाटरफॉल्स देखने के लिए, जो कि खजुराहो मेन सिटी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो जगह है बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और दूसरे को भी शेयर करिएगा। चाय का दुकान भी है, आप यहाँ ठहर सकते हैं, और वॉशरूम वगैरह भी है। तो यहाँ चाहे तो आप थोड़ा आराम करके चाय पानी पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। मैगी मिल जा रहा है खाने में, आलू पराठा है, आलू प्याज की पकौड़े हैं, चाय कॉफ़ी। बहुत मज़ा आया।